हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ब्यूटी एंड माय नेम इज़ निशा। तो आज के वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन का कलर गोरा हो जाए और बहुत ही साफ नज़र आने लगे तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप बेसन यानी ग्राम फ्लोर की मदद से कैसे अपनी स्किन को गोरा बना सकते हैं और स्किन के पिम्पल मार्क्स, दाग धब्बों को भी गायब कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है जिसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन यानी ग्राम फ्लोर, दही, हल्दी। तो मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स इन छोटी कटोरियों में ले लिए हैं, जैसे दही, बेसन और हल्दी। अब हमें एक दूसरी कटोरी में सबसे पहले लेना है 2 चम्मच दही। एक बार के यूज़ के लिए 2 चम्मच दही बहुत होगा। इसमें मैं डालूँगी करीब 2 चम्मच बेसन। बेसन बारीक पिसा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके अंदर थोड़ा सा हमें 1/2 चम्मच से कम हल्दी मिलाना है। इन तीनों को अब मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तभी आपका फेस पैक रेडी होगा। जब आप इसे मिक्स कर रहे हों तो ये ध्यान दीजिए कि बेसन के लम्प्स यानी जो गांठ होती है वो ना रह जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हमें फेस पैक ब्रश की हेल्प से अपने हाथों पर या अपने फेस पर लगाना है। इसे आप अपने फेस, हाथ, पैरों पर कहीं पर भी लगा सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन की जो काली त्वचा है वो साफ़ हो और दाग धब्बे भी दूर हों। इस सिंपल से फेस पैक के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस फेस पैक में बेसन है जो आपकी डेड स्किन को हटाता है और रंग गोरा बनाता है। धूप से जो टैनिंग हो गई होती है उसे भी निकालता है। दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपकी स्किन की टैनिंग को दूर करता है और धूप से होने वाले जो डैमेज को भी जल्दी ही दूर करता है। हल्दी आपके पिम्पल्स के मार्क्स को कम करता है और डार्क स्पॉट्स और स्किन पर जो झाइयाँ हैं उन्हें भी जल्दी ही दूर कर देता है। तो आपको इस फेस पैक को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से धो देना है। ये रेसिपी आपको दिन में एक बार करनी है रोज़, जिससे जल्दी ही आपकी स्किन का कालापन दूर होगा, स्किन के जो मार्क्स और पिंपल्स के स्कार्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन रोज़ करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सिंपल सी रेसिपी बेसन के साथ जो आपकी स्किन को गोरा बना सकती है और कोमल बना सकती है। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कुछ और इजी रेसिपीज़। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।